हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो अभी देखो बुलबुल उठे हैं और झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रहे हैं। अभी नहीं उठे हैं, मैं कब का उठूं, कैसे हां 12 बज गया, मैं बरस ना करी 12 बज गया तो कब का उठना। आप 11 बजे उठो, 11 बजे 10 बजे उठो, बता 10:30 बजे का उठिए बताओ। और रोहन देखो, इधर रोहन अपना सब साफ सफाई कर रहा है, पंखा साफ किया अभी। इधर पे ये लोग अपना साफ सफाई कर रहे हैं, सब क्लीन। हर दिन रूम साफ होता है, हर दिन पता नहीं कहाँ से इतना कचरा निकल जाता है, हर दिन वही धूल मिट्टी, पता नहीं कितना धूल आता है। देखो इधर धूल है, ये देखो साफ करूँ, इतना धूल है ना पता नहीं कहाँ से आ जाता है। देखो हर दिन साफ होएगा, हर दिन धूल आएगा इधर। अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, जाना है मेरे एक दोस्त को मिलूंगा, उसके बाद जाना है, उसको कुछ सामान खरीदना है, तो उसका सामान वामान लेके फिर आते हैं घर पे। अभी मैंने तुम्हारा, हाँ मैडम का रिपोर्ट भी लेके आना है, तो जाता हूँ, देखता हूँ रिपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता। पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद बंद हो आज सैटरडे, तो वो चेक कर लूंगा, मिला तो लेते आऊंगा, नहीं मिला तो। कब से नीचे रुका हूँ मैं, अभी आ रहा है। किधर था रे, कितना टाइम है नीचे रुका है इसके लिए, और ये अभी आ रहा है, बताओ 1 घंटा हो गया मेरे को नीचे आके। हम तो पहले 10 मिनट से खड़े थे नीचे, उसका क्या मतलब, 1 घंटा 10 मिनट से ये नीचे खड़ा था, मैं 1 घंटे से मैं खुद नीचे खड़ा था। लोग आए थे यहाँ पे KTM शोरूम पे, यहाँ बहुत सारी KTM खड़ी है, काश इसमें से मेरी भी एक होती। और ले लिया हमने एक आईफोन बहुत आ रहा है मुँह में, जल्दी आएगा लगता है, तो ये ले लिया वन प्लस नॉट, ये देखो वन प्लस नॉट लिया इधर, और अभी इसको लेके जाएंगे घर पे और इसको अनबॉक्स करेंगे। हम लोग इधर बैठ के ज़रा बिल पेमेंट कर रहे हैं, अभी जैसे ही हो जाएगा वैसे निकलेंगे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब चल रहे हैं घर पे। पूरा मॉल खाली है भाई, पूरा एकदम, एक आदमी नहीं है अंदर, सब जगह खाली है, कोई पार्किंग स्टाफ लोग थे ना यहाँ पे, पार्क है स्टाफ के लिए, पार्किंग फुल है इतना, पूरा मॉल खाली पड़ा है और यहाँ पे शटर लगा पड़ा है, नहीं तो ये हमेशा खुला रहता है। शटर लगा, देखो यहाँ पे सुनीता का रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट लेने आया था मैं, सुनीता का रिपोर्ट लिया रे, तो उसका रिपोर्ट लिया, डॉक्टर को दिखाया था, अभी निकल रहे घर पे। आज डॉक्टर तो अभी नहीं आए, अभी लगता है मंडे आना पड़ेगा, तो मंडे को दिखाएंगे ऑफिस डॉक्टर को, रिपोर्ट आ गई है, घर चल के बताता हूँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जा रहा है फ़ोन लेके घर पे, जाके अनबॉक्स करेगा, चल शाम को मिलते, बाय बाय, शाम को मिलते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है, 1:30 बज गया है, और मैं आज इसीलिए लेट उठी ना, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन से मेरी रात में नींद नहीं लग रही थी, और सुबह में मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जा रही थी। कि बताओ अब खुद के घर में, मतलब इतने सारे यहाँ पे रही हूँ तो यहाँ की आदत हो गई, तो अभी खुद के घर में ही नींद नहीं लग रही है, तो चेंज ऑफ प्लेस होता है ना जब, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है। और क्या होता है ना, जब मैं यहाँ पे भी शिफ्ट हुई थी, मतलब शादी करके, फिर मुझे यहाँ पे भी नींद नहीं आती थी जल्दी, तो इसीलिए अब वहाँ पे गई मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे रहने के लिए, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऊपर से एलर्जी का अलग मसला था, और फिर यू नो बच्चे लोग रहते थे तो फिर उनके साथ सुबह खेलती थी, मज़ा आता था। अभी मैं बहुत ज़्यादा सोनू को मिस कर रही हूँ, सुजल को मिस कर रही हूँ, बाबू को मिस कर रही हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं वहाँ पे उन लोगों को, मतलब सारा काम फिनिश करके खेलने लगती थी, ब्रेकफास्ट भी अब तक कर लिया होता था, तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट में मेरे पास है, क्या बताओ, चाय है और पार्ले जी है, वैसे है रोटी सब्जी भी है, बट 1:30 बज गया खाना खाने का टाइम, बट मुझे रोटी सब्जी खाने का अभी मन नहीं कर रहा, फिलहाल मुझे आज चाय और पार्ले जी खाने का मन कर रहा है, तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखो, मैं बस अभी मेरा बिस्किट लेने गई थी और ये यहाँ पर आकर सो गए, और मुझे बोल रहे हैं कि क्या है खाने में लाओ, तो मैंने बोला टुल्ली और रोटी है, तो बोलते कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे चाहिए बिरयानी पुलाव बना कर, आज सैटरडे तो आज कुछ तो बना ही देते हैं। टिंडी का सब्जी कौन खाता है भाई बताओ, हाँ यहाँ पे ना, मतलब इन लोग बहुत सारी सब्जियां जो नहीं खाते है। तो अभी डॉक्टर, अभी जाके इसका मैं सारा रिपोर्ट ले आया, डॉक्टर नहीं थे तो उनको दिखा नहीं पाया, तो अब मंडे को दिखाएंगे, सो बिचारी का रिपोर्ट आ गया है, वो खुजली से परेशान है, गुस्सा हो गई, डांट दिया इसको अभी, गुस्सा हो गई रे, अपना पार्ले जी खा रही है, अभी इसका छीन के मैं खाऊंगा। टिंडी भाई मेरे को नहीं खाना, टिंडी बिंडी मैं पुलाव बनाओ मैं वो गुस्सा तो दिलाना है ना जब पुलाव खाना है तो
अरे गुस्सा दिलाना है तभी तो खाना है। ये होता है देखो, मैं इधर आ गई ना इनके घर पे, तो ये ऐसे मेरा छीन छीन कर बिस्किट और सब खा लेंगे, और ये एक टाइम पे चार बिस्किट निकाल कर डाल रहे हैं। तो एक टाइम पे लोग एक पार्ले जी बोर के खाते हैं। कैसे हो ये, शैतान हो क्या तुम? हाँ डुबा के बस पोजीशन तो देखो, ऐसे कौन खाता है, ऐसे चाय बिस्किट कौन खाता है। चलो मैं बना रही हूँ, ठीक है, बिरयानी पुलाव जो भी है। इधर मम्मी देख देख के पिक्चर हंसे जा रही है। क्या हंस रही है रे इतना? पिक्चर देख के इतना मगन हुई है, पिक्चर देख रही है। और इधर मेरी मैडम देखो, खुद ही रिपोर्ट पढ़ती है और बोलती है मैं खुद ही डॉक्टर बनूंगी, आज डॉक्टर नहीं है तो क्या, मैं खुद का बताऊंगी मेरे में खुद में क्या कमी है। तो बोलती मेरा विटामिन डी कम है, तो विटामिन डी इसका कम है और कोलेस्ट्रॉल कम है क्या? और कोलेस्ट्रॉल मतलब नॉर्मल रेंज है कि हाँ, अबव 200 होना चाहिए। हाँ, तो मेरा 135 भी है। हाँ, मेरे बाप रे, अब पता नहीं मेरे को 65 पता है। देखो देखो, डॉक्टर के पास जाना, वो बराबर बताएगा सब। आयन आयन घर पर है। आयन बोले फीमेल का 52-170 के बीच में होना, मेरा 43 है, मतलब मेरा 7 कम है। आज MBBS कर लोगे लगता है। मजाक नहीं कर रही, लोग ने दिया है ना इधर रेफरेंस रेंज, उसमें से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, कुछ कम है मेरे में। तो तुमको सुधारना ना, अच्छा मेरे वजह से सब कम है ना। चलो भाई, पहले मेरे वजह से कुछ कम नहीं था, अब मेरे वजह से सब कुछ कम है। इधर बताओ, शादी हो गई ना इसके लिए तुम अभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। अच्छा, ध्यान कैसे, 24 घंटे ऐसे देखते रहोगे भाई, करते रहते हो ना इसके लिए काम हम छोड़ के खाली तुमको ऐसे देखते रहे हो। मेरे को ख्याल रखते रहते, बचपन का ख्याल रखना, बचपन से मेरे को पौष्टिक आहार मिला है। ऐसी होता है शादी के बाद, ऐसी होता है। यो हो, मैडम ने देखो बना दिया फाइनली पुलाव, रोटी पापड़ दही। वाह भाई वाह, आएगा ना मजा। अरे रोस्टेड नहीं बोला, रोटी पापड़ दही, रोजी पापड़ नहीं। चलो अब फाइनली खाने को आएगा मजा। बाद में खाएगा, बाद में खाना। तो सब्जी किसकी थी बताऊं, सब्जी किधर है? उसी में है। उतनी सब्जी थी उसी में है। अच्छा, तो इसके अंदर डाल दिया सब्जी? हाँ, तुम्हारे प्लेट में। अच्छा प्लेट में है ना, तो सब्जी में बताता हूँ आपको, टिंडी की थी ये टिंडी, देखो ये वाली। ये सब्जी नहीं खाता मैं, मतलब खाता हूँ अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी हमारी सो रही है, माता जी। चलिए लाइए, भूख को लगा है, तुम भी निकाल लो अपने लिए। ऐसा कलरफुल खाना देख के ना मज़ा ही आ जाता है। चलो आओ, भूख लगा है। अच्छा कलरफुल है, जल्दी जल्दी खाएंगे। अच्छा बना दिया यार ये, इतना सा नहीं खा पाता मतलब सब्जी। अचार भी ले आओ, अचार चाहिए? थोड़ा सा ले आओ मसाला। मेरे सामने अचार मत खा। क्यों? मेरा भी मन करता है ना खाने। अच्छा, तो उसको अचार इसलिए नहीं खा पाती, नहीं तो उसको खुजली होने लगेगा, उसको खट्टे वट्टे से खुजली है ना, तो अचार तो खाऊंगा अब मैं। सो ये अचार बुलबुल लेके आई अपने घर से, काला अचार। ए अचार चम्मच से लाओ यार, हाथ लगेगा तो खराब हो जाएगा ना। नहीं है, कुछ नहीं खराब होगा। इस पे रख दो, इस पे रख दो। पिछली बार का ये अचार है। पिछली बार का है? नहीं नहीं, मैं प्रमिला दी गांव से भेजी थी। अच्छा, इतना बच्चा है। ओके, वो तो बच्चा उठा लाए सब। तो इधर मम्मी पूजा करने के बाद यहाँ पे मंदिर का तेल क्या हुआ मम्मी? नहीं खुल रहा है, सुनो। ओए किस काम के मम्मी, दो दो पहलवान बेटे आपके। रुको आ रहा है, आ रहा है, रुको आ रहा है। देख इतना टाइट कौन बंद किया है? कपड़ा चाहिए रे मम्मी इसको खोलने को, है ना कपड़ा? हाथ भी मेरा गीला ही है, खुलेगा भी नहीं। टॉवल दे, टॉवल। नहीं हमारे टॉवल वाले दे। क्या करेगा? हाथ पोछेगा, हाथ पोछेगा। वो आवाज कर रहा है, पी पी, खुल रहा नहीं है। यहाँ से खुली है, इधर से खुलता है। तो
तोड़ मत देना तुम लोग मेरा बॉटल, ये देखो इतना टाइट कौन बन के है, बहुत ज्यादा टाइट बन के है उसका, वो शायद जो रहता है ना हाथ चूड़ी में फंस गया होगा कहीं पे कुछ। खुला अब मेरे शेर, मेरा पहलवान, क्या हुआ क्यों नहीं खुल रहा था? तेल लग गया ना इसमें भी, सब में जैम हो गया है उसका, वो टूट गया है क्या? रबर ऊपर निकला, वो रबर उसी में ना, उसका वो रबर है ना। तो भाई खुल गया, मम्मी इसमें तेल भरेगी अपना, अपना नहीं भगवान का, वही भगवान का। जाओ खाना बनाओ तुम पहले, हाँ बनाओ और खाओ, खाना बनाओ, खाओ दो, खाओ दो। 17-18 लाइट जलेंगे, 18 लाइट जला, देखो इधर 18 लाइट घर में। क्या कर दिया हमने, टूट गया वो रबर, उसका बड़ा हो गया ग्रिप। अरे उसमें पागल, ऊपर लगा उसमें, यहाँ में लगाओ, हाँ अभी रख दो उसके ऊपर, हाँ चलो कोई बात नहीं। मेरे माइक कैसे आया हुआ? हाँ अच्छा, अच्छा यूज नहीं हो रहा है, नहीं रख रहा, और कहाँ यूज होगा, घर घर में यूज हो रहा ना। मैंने नहीं यूज किया, अच्छा तुम भी तेल वेल लगाओ, दिया विया लगाओ उसमें, हाँ तो फिर उसमें दिया नहीं जलाती ना, तो उसमें भी यूज होता ही है ना, बहुत। अरे तो उसको कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गया, भर के लेके 2 साल हाँ, तो लेके रखने से भी खराब होता है। अरे पर उसमें थोड़ी जंग मंग पकड़े, अगर कोई चीज जंग पकड़ने का होता तो खराब हो जाए, धरे धरे खराब हो जाए तो कौनो चीज, उसका रबर थोड़ी धरे धरे यूज होता है, कब फिर तुम बताओ भैया। बहुत धूल आ जाता है इधर, पता नहीं किधर किधर से इतना धूल आता है, सब क्या बताया जाए। इसमें ना इतना पानी डालने के बाद भी इसमें से मलाई निकल रही है, किधर निकल रहा दिखाओ, दूंगड़ो दूंगड़ो, दूध में पानी मिलाते और बोलती मलाई निकल रहा है, हाँ घी रहता है मम्मी, मोटा मोटा घी रहता है मम्मी बोलती जमा रहता है, हाँ अच्छा मलाई हुई दही बनाएगी, सॉरी चीज बनाएगी, अरे वाह टैलेंटेड बीबी का जवाब नहीं। हाँ मॉडर्न वाली बहू, मॉडर्न बहू। उसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अरे 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 वाह, अरे वाह, गंगा है पानी 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 पानी। मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ, टिल देन एवरीवन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। देखो दूध में पानी मिला रही है, पानी है उसके अंदर सब मलाई लगा रहता, अच्छा, है अच्छा थैली के अंदर मलाई लगा है, मजाक कर रहा हूँ। ओ माय गॉड सच में मलाई है रे, तो इसीलिए मैंने हाथ धोया है, वो लगे हैं हाथ नहीं धोए हैं, मैं हाथ धोया।